हाय गुलीज, आज मैं आपको अपने पैरों से हाई कर रही हूँ। हाय गुली दे यार, ऐसे पैरों से नहीं हाई करते कभी इनको। मतलब मैं अपनी एक नई टेक्निक दिखा रही हूँ, जो टैलेंट मैंने भी कुछ दिन पहले सीखा। हेलो गुलीज, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी प्यार से होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घर में। और मेरे बाल देख लो, सुबह उठते ऐसे गजनी वाले हो रखे हैं। और आज मैं घड़ी पहन के सोई थी, देखो पूरे हाथ में इतना निशान बना हुआ है। खैर, आप लोग बहुत मिस कर रहे हो मेरे डेली व्लॉग्स को, और आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हो यार आप डेली क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो वीडियोस, या फिर डेली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि आज मैं डेली व्लॉग करूंगी आप लोगों के लिए, जो भी पूरे दिन में होगा जैसा भी होगा वो दिखाऊंगी। बज रहे हैं सुबह के 10:30, क्योंकि यार रात को मैं बहुत लेट सोई थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। नहीं तो समाज में इतनी सारी अनोखी बीमारी आ गई है, एक दो पकड़ के मैं निकल लूं, मुझे डर भी लगता है। क्योंकि यार आप एक बात देखो कि तबीयत खराब होती है 10 दिन 12 दिन, मेरे को एक महीना होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि रेगुलर तबीयत खराब चल रही है, पर हाँ थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, सब मुझे नहीं एक्सप्लेन किया जा रहा। दिनों के बाद ना आपको मम्मा से पापा से गुन्नू से भी मिलाती हूँ। बाहर आवाज आ रही है बर्तन बजने की, पता नहीं लड़ाई हो रही है, खाना बन रहा है। और हाय, आज तो पापा गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या ले आया? हाय तो बोल दिया करो यार, इतने सालों के बाद व्लॉग में आए हो। आज क्या है? ऐसे ही डेली व्लॉग कर रहे हैं। आज क्या है? कुछ है आज? क्या है आज? है यथ यात्रा। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। क्या खाएगी बता जल्दी। मैं पति से बात कर रही हूँ। मैं खाऊंगी आज पराठे। मम्मा मुझे आज वो वाले पराठे चाहिए जो आशा बनने बनते हैं, वो नहीं बन रहे। पापा के पास देखती हूँ, मेरा बना रही है। पापा तो रोटी खा रहे, रोटी बना रहे। और वो पराठे दिखाओ कहाँ बनाए आपने। कुछ नहीं बनाए, खा के तो देख ले एक बार क्या बन रहा है। नहीं मैं चीला नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी चीला। मुझे खाना है मसाले वाला पराठा। मसाले वाला पराठा आज प्लीज। आज मम्मा मसाले वाला पराठे बनाएगी सुबह सुबह मेरे लिए। मम्मा आज आप जैसे मैं व्लॉग ऑन करके आती हूँ, आप कम उसको गुस्सा नहीं करते कि इतनी लेट उठी, वैसे गाली सुनाते रहते हैं। ऐसा बाबू ऐसा थोड़ी ना दुनिया को अपनी असलियत कहीं दुनिया को थोड़ी ना अपनी असलियत दिखाएंगे। तो यार ये तो सही है, व्लॉग डालू ना डालू रोज ऑन करके आ जाऊंगी। हाय मम्मा गुड मॉर्निंग। ये तो शुक्र है इनके डर से जल्दी उठ जाती है। नहीं मैं बिना नहाई ऐसे बिना ब्रश के ऐसे रेडी होके घूम रही हूँ। ये तो नहा के तैयार भी हो चुकी है। आज क्या है? मैं नहा के सोई थी। आज क्या है? कितनी बार बोले कि मैं चल लूंगी तेरे को लेके, कल रात से मेरे पीछे पड़ी हुई है। यथ यात्रा में मेरे को लेके जाना। पहले तो बोलना सीखो, यथ यात्रा क्या होती है? रथ यात्रा ऐसी है ऐसे हिंदी की टीचर के पास भेज। और पूरी से मैंने अभी लाइव देखा, उनकी साथ फोन बिठाया जा रहा है, उनकी स्टार्ट होगी, स्टार्ट होगी हमारी आज शाम में होगी पूरी याद। और पता है जगन्नाथ में तो इतना बड़ा रथ होता है, सब खींचते हैं, मतलब बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकली नहीं चलता। जैसे हमारे यहाँ तो जीप पे आप ऐसे करके उसके जनरेटर ऑन करो, फिर अपना भक्त आगे को। यार मुझे क्या मम्मा, भाई वाह बड़ा मम्मा, आपको पराठे बनाने का एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत प्यारे दिखाना मुझे भी। इस पे ना घी अच्छे से लगाओ मम्मा। अबे तू रुक जा, तुझे क्या पता घी कितना लगाया मम्मा। उस दिन जैसे मैंने बना के तुम्हें बन जाएगा तब बात करियो। जा मम्मा, तभी आपके आंसू की मम्मा जैसे अच्छे नहीं बनते। मम्मा गुनगुन ने ब्रेकफास्ट कर लिया ना सुबह सुबह? सब देरी तरह थोड़ी है, आपने सब कुछ कर लिया है। मेरी बच्ची आज इधर देखो, एक तो गाइस ये देखिए हटियो रे आगे से, इतनी धूप के ऐसे थप्पड़ पड़ रहे हैं, ऐसे धूप के थप्पड़ लग रहे हैं इतनी। यार धूप तो ऐसा एक्सपोजर देखना, मेरे मुंह का ऐसा बन गया, मैं तो अंदर भाग गई हूँ। मैं खाऊंगी मुनिया को, अगर पूरे खत्म कर दी जान से मार दूंगी, फिर कभी तेरे को भेजूंगी इतनी धूप में। मम्मा ये पता है ऐसे ही करिए, 4-5 दिन से वो कचरियां खा गई सारी, पूरे वो भी खा ली आज सुबह जो मैं देख के और मंगा रही थी इसने, तो अभी पेट खराब हो जाएगा बदतमीज। पता नहीं गाइस मुन्ना को मुझे इतने पसंद है ना, इतने टाइम से मैं मुन्ना को खाना चाह रही थी, पर कल लाई थी अपने लिए। मेरे मुन्ना गुनु मत कर भूखी नंगी, मैं इतनी सारी कचरी खाई, मैंने कुछ बोला? अभी मेरे हैं क्यों, ये बड़ी भगवान है यार। पता है ये हमारे को ना ऐसे डराती रहती, पापा की तो वैसे ही फटती है, जैसे गुनगुन एक बार भी ऐसे श्लोक फेंक के मारेगी तो ना ऐसे ऐसे करके, और फिर पापा कहते हैं मम्मा पर मैं बिना ब्रश के खा रही हूँ आज। लोगों को पता चल गया, शर्म कर ले। मम्मा कोई बात नहीं, जिंदगी में आज तक आपने बेटी दी है मेरे को, उसमें भी तो इतना सारा ब्रेकफास्ट होता है खाने के लिए। रेड वाली सॉस दे दूँ साथ में पराठे के? नहीं मेरे को दूध। मम्मा कल मैंने दूध की ना इतनी सारी मलाई बचा के रख रखी थी पीने के लिए। स्माइल ऐसे क्यों करो, पी गए सारा?
यार मम्मी पापा और गुनगुन बहुत भूखे हैं इस घर में। तो चलना बेवकूफ, ये ले खा के पता कैसा बना। चटनी तू क्या? चटनी नहीं, मेरे को दूध चाहिए। और उसमें मैंने मलाई कल इसलिए छोड़ी थी, सुबह सुबह खाऊंगी पराठों के साथ। कलाम खेरी खा रही कहती दो फाड़ी से ज्यादा मैं से खाई नहीं जाती। मैंने कहा क्या खेरी, नाशिक मम्मी से सीख के आई हूं। आंटी मैं आपसे सीखी दो फाड़ी। दो फाड़ी और पता है ऐसे गंदे वर्ड मुझे और नहीं गंदे है कोई। आशिक मम्मी मेरे मुंह पे प्लेट मारेगी जाके। ऐसे कुछ नहीं आंटी, मैं मजाक करती हूँ। मसाला तेज जैसा कि मुझे पसंद है। मामू पर ना आपको मसाला ना इधर को एक ही तरफ को भग गया और एक तरफ खा गया। ऐसा ही मैं बना रही हूँ, अब बनाती हूँ। इतनी बड़ी हो रही है, थोड़ी बाईस आएगी। हंसते ऐसी बात है। मैंने तुम्हें 30 साल खिला दिया ना, अब तुम मुझे खिलाओ बिठा के। हमें 30 साल का खिलाया मेरे को तो 15 साल को तुझे भी खिलाया है। तू खिला 15 साल मुझे। मैं नहीं बोलती, मेरा तो ज्यादा लंबा है और पापा तो बेचारे एग्जिस्ट नहीं करते। हेलो गाइस, आज है जैसे मैंने आपको सुबह बताया था यत रथ यात्रा। और अभी हम लोग फटाफट से चार बजे से क्या प्लीज पहले कुछ काम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे 1 सेकंड लगेगा मम्मी को भी कॉल करते हुए। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं आपकी हेल्प भी करा रही हूँ, मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। मैं इनको भी बताना चाहती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ आज। मैं बस 1 सेकंड में बता देती हूँ। मैं और गुनू अच्छे से तैयार हो रहे हैं। गुनू हल्की सी तैयार हो चुकी है। कोई साड़ी ही तेरे को पता है, इसको साड़ी पहनने का मन। कॉल करके पूछती हूँ। एक काम कर सुन, सीप कबाब वाली साड़ी पता है तुझे? उस पे प्रिंट बन रहे थे सीप कबाब के। एक सेकंड मैं बात करती हूँ। अच्छा आप पता मेरे, अरे प्लीज फिर मैं देखो चाहूंगी नहीं। आओ लास्ट चांस 4 ये करना अपने आप ढूंढ ले। 3 हाँ जा 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 चल कर ले अपने आप आइए अभी थोड़ी देर में। और तूने अगर फोन कर दिया उसके बाद मम्मी तो यहाँ है नहीं, मैं अपना ढूंढ के पहन के भाग जाऊंगी। आई ना 5 4 3 2 1 लोग मेरे पास तो है ऑलरेडी, अगर मैंने पहन ली तो बेचारी फूक फूक के मेरा बुरा हाल कर देगी। चलिए एग्जैक्टली इसलिए मेरे को डर है कि अपने पहनने से पहले मेरे को इसको देनी पड़ेगी। शूट पहन ली देख, थप्पड़ मार। अच्छा मैं मेरे लिए दिखा। आप पहन लो ये शूट गुनगुन, ये शूट देखो गुनगुन पहनी गया जितनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी का। ये हम किसी को देंगे, हमारे घर में कोई आएगा ना नई दुल्हन। मजाक करियो ऐसी तो देते हैं, मान करते हैं जब। मजाक करियो ये ऐसी रखा हुआ है घर में। अरे वो कौन सा रिश्तेदार था गुनगुन उस दिन जो पापा ने बताया था? साड्डू। मेरा साड्डू मतलब गुनगुन का पति। कितना प्यारा शब्द है साड्डू। अरे ले ये वाली पहन ले जो मम्मी से ढूंढवा दिया मैंने कर लिया। यार हर चीज में मम्मी को फोन कर देती है। मम्मा मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने बस एक ही बार बोला। मम्मा इनको स्ट्रिक्टली बोल दो कि साफ सीधी बात है मेरा साड़ी पहनने का मन है और ये ढूंढ के देगी अभी। सॉरी मैं गुनू की हेल्प करती हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है गुनू शादी में जाने के लिए तैयार हो रही है। अब मजाक से हट के नहीं, मेरे को अपनी बहन के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना है। हटो गुनू, चलो मैं आपके लिए कुछ अच्छा निकाल। पिंक कैसी है नीचे? पिंक वाली की फॉल नहीं लगी हुई है, उसको नहीं पहन वाली। देखा इसलिए मैंने बोला था। कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है। चुपता है वो, मैंने नहीं है। बहुत अच्छा है। बस हम लोग जल्दी से तैयार हुए। मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी, मतलब गोपी स्कर्ट ही थी, और गुनू ने ग्रे वाली पहनी थी। और पता है स्कॉन में आनंद बाजार लगा था जिसमें खाने की इतनी टेस्टी टेस्टी चीजें थी। और फिर दर्शन किए हमने रुक्मणी द्वारकाधीश, और फिर हमें मिले ये प्रभु जी जो पता है वृंदावन से स्पेशली आए थे प्रसाद पाने। उन्होंने हमें चंदन दिया खाने के लिए और आंखों में कुछ लगाया, वो सारा यही मतलब सेवा करते हैं। इन्होंने जगन्नाथ जी के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमें पहले पता ही नहीं थी। बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। बस उसके बाद हमने किया बहुत सारा डांस और ये मेरी नई दोस्त बनी थी वहाँ। पता नहीं मेरा कोई मस्ती करने का मन कर रहा है और ये गुनगुन को ना मैं इतनी देर से बुला रही हूँ, बस आ नहीं रही, तो कुछ करना पड़ेगा। अरे दीदी ऐसे मत करो उनके साथ। पापा बहुत गंदे हैं, ये हमें पकड़ के मार देंगे। मैं नहीं आऊंगी।
पापा आप करके लाओ, मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखा, ये हमें मरवाना चाहते हैं। पापा पापा ना कुछ ज्यादा ही इसका स्टैंड ले रहे हैं, इनके साथ कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। देखो कुछ रही हो, ठीक है? ये अभी मैं पीछे छुपा के लेके जाती हूँ और पापा के ऊपर फेंक दूंगी, उनको लगेगा गर्म है। अंदर ऐसे ये मारने मेरे को, इन्होंने लाइटर नीचे रख दिया, मन करे उठा के उनके सर पे लगा दूं। यार अपना काम कर रही हूँ, थोड़ी देर शाम को मम्मी और पापा सबके साथ ट्रैम्पोलिन जाना है, मतलब हम लोग पूरी फैमिली पहली बार ट्रैम्पोलिन जाएगी आज। गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यार बहुत रैंडम सा व्लॉग था, मेरे पास जितनी भी क्लिप्स पड़ी हुई थी मैंने सबको कंबाइन करके डाल दी, एंड कोशिश करूंगी अब रेगुलर व्लॉगिंग करूं और रेगुलर अच्छा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊं। लव यू सो मच, इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए। जी तो ऐसी फूल पत्ती बनाई हुई है। बाय बाय।